वाराणसी के मलदहिया स्थित विनायक प्लाजा में आईआईए के कार्यालय में उद्योग बंधुओं की एक बैठक आयोजन किया गया। बैठक में आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने कहा कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बने 2 साल से अधिक हो गए हैं। 2017 में नई औद्योगिक निवेश व रोजगार सृजन पॉलिसी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, सोलर, हैंडलूम, एमएसएमई, फूड प्रोसेसिंग, सिविल एविएशन क्षेत्रों के लिए 7 और नीतियाँ घोषित की गई। जबकि 2018 में वेयर हाउसिंग, टूरिज्म, डिफेंस, मिल्क, फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों के लिए 5 नई नीतियाँ घोषित हुई। प्रदेश में केवल 5 महीनों में 60 करोड़ 81 प्रोजेक्ट धरातल पर चालू हो गए। इससे उद्यमियों में उत्साह बढ़ा, लेकिन ये उत्साह अधिक दिन तक नहीं रहा, क्योंकि 2 साल में उद्यमियों व उद्योगों की समस्याओं के निस्तारण में सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई। श्री चौधरी ने आगे कहा कि सप्लाई किए गए माल का भुगतान 45 दिनों में करने का उल्लंघन कर रही है सरकारी एजेंसियां। अपने खाते की भरपाई के लिए परदेश के उद्योगों पर मनमाने तरीके से शुल्क लगा रही है। वाराणसी से तौफीक खान की रिपोर्ट। इनके आगे कुछ नहीं है, इनको हम लोगों ने उपाध्यक्ष का दायित्व दिया है। आईआईए इस बार हमारे दिनेश गर्ग जी, हम लोगों के अब तक की कोशिश, बहुत बड़ा योगदान आपका समाज सेवा में योगदान। तो ऐसे हमारे पास में दिनेश गर्ग जी जैसे लोग जो संगठन को मजबूत करने के लिए दोनों बाबतपुर और मारवाड़ी युवक संघ में संरक्षक मंडल के आप अध्यक्ष और जो भी अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो इस बार जो यहाँ का वाराणसी चैप्टर का दायित्व राजेश जी के पास था वो आपको दिया। आपकी बैठक थी वो किस संदर्भ में थी? हमारी बैठक आज ये थी कि यहाँ पर सरकार की नीति भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, लेकिन उद्योग बदहाल है। उद्योग बदहाल होने के कारण यहाँ न तो नया निवेश आ रहा है और उद्योगों की हालत खराब होने से धीरे धीरे यूनिटें बीमार हो रही हैं। हमने कई मुद्दे रखे और सरकार से ये कहा कि जब आप कोई भी नीति आपने घोषित की है तो उसका क्रियान्वयन जरूरी है। दूसरी बात, जो एमएसएमई सेक्टर है जिसका सबसे बड़ा योगदान है कंट्री को, एम्प्लॉयमेंट को, रेवेन्यू को, कम से कम आप इतना तो करिए कि इस सेक्टर को कम प्रतिस्पर्धी बनाइए। आज इन्होंने 1 रुपया यूनिट स्मॉल और माइक्रो को छूट दे रखी है बिजली में, लेकिन वो छूट का आज तक जियो ही जारी नहीं हुआ है। कौन देगा, कहाँ देगा? आज औद्योगिक विकास निगम है या दूसरे जो गवर्नमेंट के औद्योगिक क्षेत्र हैं 60 साल 70 साल पुराने, हम कहते हैं कि अब उसको फ्री होल्ड कर दो, आप मेंटेनेंस करा नहीं पाते। आज एक एक चीज़ के लिए 60 साल का आदमी हो गया, बेटे बड़े हो गए, विधा परिवर्तन करना है या डिवीजन करना है, 3 बेटों में बांटना है, वो यूनिट बीमार होकर बंद हो जा रही है, झगड़े में बंद हो जा रही है। आप उसका मूल स्वरूप चेंज मत करो, लेकिन कम से कम फ्री होल्ड कर दो, इस कंडीशन के साथ कर दो कि केवल इंडस्ट्री लगेगी और उससे जो उसका अलॉटमेंट राशि है उसका 15% शेष हमसे ले लो। इसी तरह से आज आप सोलर को एक तरफ तो कहते हो प्रोत्साहित करेंगे, दूसरी तरफ नेट मीटरिंग के जरिए जो सोलर लगाने वाली कंपनी उसमें नेट मीटरिंग के थ्रू कारपोरेशन उसके ऊपर आपने प्रतिबंध लगा दिया। इसी तरह से आज हमने आपको उद्योग बंधु के लिए कहा कि इसको आप कानून के दायरे में ला दो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दो। जो आपका जिला उद्योग बंधु, मंडलीय उद्योग बंधु, राज्य स्तरीय उद्योग बंधु, वो केवल सफ़ेद हाथी है, कहते हैं करेंगे। तो कुल छोटी छोटी समस्याओं में धन से ज़्यादा ध्यान दे दें। आज औद्योगिक आस्थानों की हालत यह है कि कई यूनिटों में पानी अभी घुस गया जिसमें पानी नहीं बरसा। तो आखिर आज हमको आप एक माहौल तो दे दो।